चुनाव आयोग ने अजीत गुट को माना असली एनसीपी, शरद पवार से छिन गई अपनी ही बनाई हुई पार्टी। चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे शरद गुट, सुप्रिया सुले बोली देश में कम काम कर रही अदृश्य शक्तियां। इलेक्शन कमीशन ने शरद पवार को नए नाम का दावा करने का निर्देश दिया, वैकल्पिक सिंबल और पार्टी के नाम पर आज दोपहर 3 बजे तक करना होगा फैसला। अजीत पवार ने इलेक्शन कमीशन के फैसले का किया स्वागत, कहा हमारे पास बहुमत था, सब हमारे साथ थे। चुनाव आयोग के फैसले पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का बयान, बोले लोकतंत्र में फिर से बहुमत सिद्ध हुआ। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने की चुनाव आयोग के फैसले की सराहना, कहा अजीत पवार के पास बहुमत और संगठन का साथ है। प्रफुल्ल पटेल ने इलेक्शन कमीशन के फैसले का स्वागत किया, कहा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए चुनाव चिन्ह बहुत जरूरी। अजीत पवार पर शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आवाड़ का हमला, कहा घर का भेदी लंका ढाए। शरद गुट के नेता अनिल देशमुख ने चुनाव आयोग के फैसले को बताया दुखद, कहा लोकतंत्र की हत्या। इलेक्शन कमीशन के फैसले पर बोले शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता आनंद दुबे, इस देश में लोकतंत्र खत्म हो गया। अजीत पवार के वकील मुकुल रोहतगी का बयान, कर इसके पास बहुमत नहीं, वही असली पार्टी है जिसके पास बहुमत है, तो वही इलेक्शन कमीशन दोनों पक्षों को सुनने के बाद दिया फैसला। फैसले के बाद अजीत पवार गुट में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है, शरद पवार गुट ने जाहिर की अपनी नाराजगी। आज दिल्ली दौरे पर आएंगे बिहार के सीएम नीतीश कुमार, फ्लोर टेस्ट से पहले पीएम मोदी, शाह और नड्डा से मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी से लोकसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग पर बात कर सकते हैं नीतीश, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा हो सकती है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोर्ट पहुंची ईडी, 5 समन के बाद भी पेश न होने पर की शिकायत, आज राहुल सिवनी कोर्ट में सुनवाई। दिल्ली सीएम के निजी सचिव के घर ईडी की रेड, मनी लॉन्ड्रिंग केस में 12 ठिकानों पर छापे, कई बड़े नेताओं पर कार्रवाई। करीबियों पर ईडी के छापे से भड़के सीएम केजरीवाल, का भारत किसी की पोती नहीं है, ये सरासर गुंडागर्दी है। उत्तराखंड विधानसभा में आज पास हो सकता है यूसीसी बिल, मंगलवार को सदन में पेश होने के बाद इस पर हुई चर्चा। उत्तराखंड विधानसभा में आज भी हंगामे के आसार, यूसीसी बिल पर होगी चर्चा, बहस के बाद विधेयक हो सकता है पास। उत्तराखंड विधानसभा में सीएम धामी ने पेश किया यूसीसी बिल, पास होने के बाद शादी तलाक से लेकर उत्तराधिकार तक बदल जाएंगे सारे नियम। यूसीसी पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का सरकार पर आरोप, का बिना चर्चा के बिल पारित करना चाहती सरकार। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने विपक्षी सदस्यों को दिया आश्वासन, का विधेयक पर चर्चा के लिए दिया जाएगा समय। यूसीसी बिल पर तेज हुई सियासत, AIUDF प्रमुख बदरुद्दीन अजमल ने कोर्ट जाने की धमकी दी। लोकसभा में पेपर लीक के खिलाफ बिल पास, दोषी पाए जाने पर 1 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान। यूपीए सरकार की आर्थिक नीतियों पर श्वेत पत्र ला सकती केंद्र सरकार, शुक्रवार या शनिवार को संसद का श्वेत पत्र संभव। अब 10 फरवरी तक चलेगा संसद का बजट सेशन, 1 दिन के लिए बढ़ाई गई इसकी कार्यवाही, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने इसकी जानकारी दी। राज्यसभा में दोपहर 2 बजे पीएम मोदी का संबोधन, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देंगे। नए निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति को लेकर आज होगी बैठक, पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक है। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी ने रिलीज की 10 साल की गाथा, सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, बीजेपी का कैंपेन थीम है ये। 8 भाषाओं में जारी इस फिल्म में पीएम मोदी की तमाम योजनाओं का जिक्र है, 10 साल की उपलब्धियां गिनाई गई। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारी तेज हो गई है, सूत्रों के हवाले से खबर आई है, जब यूपी में मौजूदा 30 से 40 सांसदों का टिकट काट सकती है बीजेपी। यूपी में 75 साल से ऊपर की कम उम्र के उम्र वाले सांसदों को नहीं मिल पाएगा टिकट, सूत्रों के हवाले से खबर, कई सांसदों को बदली जा सकती है सीट। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे अखिलेश यादव, कांग्रेस का न्योता स्वीकारा। ज्ञानवापी मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई, हाईकोर्ट में दोनों पक्षों के बीच जमकर बहस हुई थी मंगलवार को। मुस्लिम पक्ष ने वाराणसी कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी, व्यास थैकाने में पूजा पर रोक लगाने की मांग उठाई। भारत म्यांमार बॉर्डर की होगी फेंसिंग, 1643 किलोमीटर तक बनेगी कटीली तारे, गश्त के लिए बनेगा ट्रैक। दिल्ली के जंतर मंतर पर आज सिद्धरमैया सरकार का प्रदर्शन, केंद्र पर भेदभाव के आरोप, 1 लाख से ज्यादा का नुकसान की जानकारी। मध्य प्रदेश के हरदा विस्फोट हादसे में बड़ी संख्या में मृतकों की जो है आंकड़े सामने आ रहे हैं, अब तक 12 की मौत हुई, 175 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। हरदा पटाखा फैक्ट्री में धमाके में पुलिस का एक्शन, फैक्ट्री के मालिक राजेश अग्रवाल समेत 2 गिरफ्तार, दूसरे राज्य में भागने की फिराक में आरोपी थे। हरदा हादसे में जख्मी लोगों से मिले सीएम मोहन यादव, आज घटनास्थल का दौरा किया जाएगा। हरदा हादसे पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दिए जांच के आदेश, 6 सदस्यीय समिति का गठन किया गया।
हरदा हादसे में सीएम मोहन यादव का बयान आया सामने, बोले दोषियों के खिलाफ करें कड़ी कार्रवाई। दिल्ली पहुंचे बांग्लादेश के विदेश मंत्री हसन महमूद की आज जयशंकर से मुलाकात, दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार और परियोजनाओं पर होगी चर्चा। सभी तरह के फूड प्रोडक्ट्स पर अब केवल एफएसएसआई के जो सर्टिफिकेशन है वो नजर आएंगे। इस बीच बीआईएस और एग्रो के सर्टिफिकेशन खत्म किया गया, हलीम से लेकर दूध तक ये तय होंगे नए मानक। दिल्ली से लश्कर का आतंकी रियाज अहमद हुआ गिरफ्तार, सीमा पार से हथियार लाने में करता था मदद। कश्मीर में भीषण सर्दी से राहत फिलहाल नहीं, पहलगाम में तापमान 0 से 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बर्फबारी, में कई जगह पर हाईवेज बंद हो गए हैं, सड़कों से बर्फ हटाने के लिए मशीन्स की तैनाती। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सड़क के चौड़ीकरण के कारण 24 घंटे के लिए हाईवेज बंद, यातायात बाधित हुआ। घर में नाराजगी के बाद नियंत्रण रेखा पार करके पीओजेके पहुंची महिला, यहां पर और आपको बताएं परिवार वालों ने दोनों देशों से गुहार लगाई है। एमपी के दमोह में हाईवे पर शव रखकर लोगों ने जाम लगा दिया, बीजेपी के विधायक और पूर्व मंत्री ट्रैफिक में घंटों फंसे रहे। 9वीं बार अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल से पहुंचा भारत, सेमीफाइनल में मेजबान साउथ अफ्रीका को 2 विकेट से हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हरा दिया, 7 ओवर में ही खत्म किया वनडे मैच, 3-0 से जीती पूरी सीरीज। फाइटर का बॉक्स ऑफिस पर दबदबा बरकरार है, वर्ल्ड वाइल्ड कलेक्शन 300 करोड़ के पार।